अभी जब बात हो रही थी ना, अभी जब बात हो रही थी, मतलब जब राकेश ने ये कहा कि आपने जो पहले कहा था कि आपको मतलब एक चट्टान और एक आकार ये सब दिखा, ये चित्रण अपने आप से पिघल करके परमाणु तक की हमको अध्ययन करा दिया। हाँ, तो वो चित्रण में आ गए। हाँ, तो आपने उस पर ये वाक्य कहा कि वही साक्षात्कार है। हाँ, वो साक्षात्कार वही है जो सामने की घटना जो है ना हमको स्वीकार हो जाए, वो सदा सदा के लिए रह जाए, उसको साक्षात्कार नाम दिया है। घटना के रूप में ना हर वस्तु दिखेगी, हर क्रिया दिखेगी, फल परिणाम दिखेगी, घटित होने के रूप में ना दिखेगा हो। हाँ। बस इतना ही, इसको ध्यान में रख करके बात किया जाए। बोला है, लिखा नहीं है। ये बात कहीं लिखी नहीं है आपने? सब लिखा है कि पत्थर पिघल, मेरे साथ पिघल करके देख। वो ठीक है, अध्ययन किया लिखा है हमने। हाँ, अध्ययन किया लिखा है सब। तो अध्ययन किया में अध्ययन कराने की विधि लिख दिया है। अच्छा अच्छा, और क्या चाहते हैं? तो वो अनुभव है ना, वो अनुभव मूलक विधि ने तो क्या माना जाए? साक्षात्कार हुआ, बोध हुआ, हम प्रमाणित हुए, इसको अनुभव मूलक माना कहा जाए। वो तो है ही है। वो नहीं, यहाँ जो पत्थर पिघलने वाली जो घटना थी, ये घटना पे जो भैया ये उस अर्थ में कहा जा रहा था, मतलब हमने बाबा के साथ में जो संवाद में ये एक जिज्ञासा की थी कि आपका अभी जो अपन लेबोरेटरी में सब पीस के देख लिए हैं, फिर क्या मतलब? हम देख लेने से किसको क्या तकलीफ? ये सब बात हो ही गई है। ये परमाणु को पहचानने के बारे में जितना सेकुलडंडी किए हैं उसमें कोई विवाद नहीं है। मैंने एक बार यही प्रश्न किया था आपसे कि परमाणु के परिवेशों को जो आपने लिखा है, ये कैसे कि चार के बाद पांच और पांच के बाद उनमें जो भूखे और अस्तित्व में जैसा है वैसा देखा है हमने, यही प्रश्न मैंने एक बार किया था इस पर। हाँ, ठीक है, वो तो बात हो गए। जो अस्तित्व में जैसा परमाणु प्रजातियां हैं, तो कम से कम दो अंश से लेकर बहुत सारे अंशों के साथ, मैंने चार पांच छह सात परिवेश के साथ होने वाले परमाणुओं को मैंने देखा, और चार से अधिक जितने भी परिवेश है वो सबका सब टूटने योग्य। गठन पूर्ण परमाणु में चारे परिवेश होता, जीवन में वही देखा, और उसमें जितने भी अंश हैं वो कार्य करता हुआ क्या करते हैं उसको हम गिन लिए। उसको जो ज्ञान के रूप में, समझ के रूप में, बल के रूप में 61 क्रियाएं होते हैं, उसको प्रमाणित करने जाते हैं 61 क्रियाएं होते हैं, इस तरह से 122 क्रियाएं गिना दिया। क्या सीताराम हो गया? वो सीताराम कोई भी अध्ययन करेगा उनको पता लगेगा। अध्ययन मूलक विधि से, स्वनिरीक्षण विधि से करेगा, हर व्यक्ति को बोध होगा। बहरहाल बाबा, आज तक आपको तो समझ गए, आज तक विज्ञान की कोई टेलीस्कोप उसको कैच नहीं कर सका। अभी विगत की मैं कुछ हुआ नहीं बता दिया ना भाई, वो भी लिख दिया विगत में। परमाणु का पहचान केवल अंग अवयव के रूप में पहचाना है, उसके क्रिया, उसका जो प्रयोजन को पहचाना नहीं, ये लिखा है। परमाणु का अंग अवयव के रूप में पहचाना, परमाणु का क्रिया, उसका प्रयोजन के रूप में परमाणुओं को पहचाना नहीं गया, ऐसा लिखा। इससे अच्छा क्या लिखा जाए?
बाबा एक बात ठीक है, इन सभी परमाणु में तो अपने ढंग से स्वयं में व्यवस्था के रूप में होने से समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में कार्यशैली बनाए उसका प्रमाण है पदार्थावस्था स्वयं कई के लिए में पानी आ रहा है। क्या करना चाहते हैं ये बताओ ना, क्या करना चाहते मेरे से दूर दूर करना है और तो उसको बेहतर कर दे उसको टेबल को बेहतर करता है फिर टेबल को बेहतर करते हो टेबल को उसको भीतर कर दे बोल पर्ची में कर दे उसको टेबलिया को उसको भी निकाला उस टेबल को उसको निकाल दे। हाँ ये अब होगा दिमाग ठीक हो गया अब देव अब और भी थोड़ा सा हटाया जाए और चीखने के में है कोई तकलीफ ये ठीक हो गए ठीक है। तो अभी विज्ञान किस आधार किस अर्थ में पहचाना संसार उस अर्थ में हम नहीं पहचाना हमको जो पहचान में आए सहस्तित्व रूप में पहचान में जब धरती पर परमाणु में कितने प्रजाति की होना चाहिए सब होने की बात ये तो योगिक क्रिया में प्रवृत्त होता है ये है पूरकता आगे की अवस्था के लिए पूरक हो गए ठीक है ना आगे की अवस्था प्रकट हुआ वो समृद्ध होने की बात उसके आगे की अवस्था के लिए पूरक हुआ ऐसा होते हुए मानव शरीर रचना पर्यंत पूरकता प्रमाणित हुई कोई परेशानी नहीं रख रहे है हड़ा घोड़ा करता है कहते हड़ा अच्छा तुम्हारा किया। हाँ।